हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, रोज की तरह मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। आज की वीडियो में बैडमिंटन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये पार्ट वन है, पार्ट टू इसके बाद आएगा। दोनों पार्ट वन पार्ट टू वीडियो देखने के बाद बैडमिंटन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, और जो मैं वीडियो बनाऊंगी उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% राइट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कॉन्टेक्ट अवेलेबल है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड सभी टॉपिक को डिटेल में थ्योरी सेशन बताया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड वन लाइनर क्वेश्चंस, और डेली बेसिस में मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। एमपी टेट रिजल्ट की बात, एमपी मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन आप कर ही रहे होंगे, तो दोस्तों सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लास होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इतना चीज़ें अवेलेबल कोई नहीं करा रहा है दोस्तों, तो इसलिए आपकी सपोर्ट मेरे को ज़रूरत है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, जिससे मैं और मोटिवेटेड हो सकूँ, आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ला सकूँ। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप सभी रेडी हो जाइए, क्योंकि बैडमिंटन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। अपना स्कोर चेक कीजिए कि इसमें आपको कहाँ कमी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन है कि बैडमिंटन खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। तो कौन है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी IBF, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF। IBF जो है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों, IBF की स्थापना हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, बैडमिंटन शुरुआत में इसका शुरुआत हुआ था बैटल डोर के नाम से। ठीक है, बैटल डोर के नाम से, बट इसको फेदर टेनिस भी बोला जाता है। जो ऑप्शन दिया है उसे फेदर टेनिस आपका राइट होगा, और इसको बैटल डोर भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल में पुरुषों के लिए सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई? तो 1948 में हुई। कब हुआ? 1948 में कब हुआ? थॉमस कप, क्या कहते हैं उसको? बैडमिंटन में पुरुषों के लिए सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1948 में थॉमस कप हुआ, और महिलाओं के लिए उबेर कप 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए विश्व कप प्रतियोगिता कितने दिन के बाद होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक दो वर्ष बाद होता है। जैसे कि थॉमस कप एंड उबेर कप, पुरुषों के लिए विश्व कप प्रतियोगिता 1948 से शुरुआत हुआ थॉमस कप, और महिलाओं के लिए विश्व कप प्रतियोगिता उबेर कप 1957 से शुरुआत हुआ। एंड इन दोनों को प्रत्येक दो वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि उबेर कप किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि बैडमिंटन से संबंधित है, वहाँ लिखा रहता है बैडमिंटन पुरुष से, बैडमिंटन महिला से। इसलिए आप दोनों चीज़ें याद करिएगा कि थॉमस कप 1948 से शुरू है, बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है, एंड उबेर कप 1957 से शुरू है, बैडमिंटन महिला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? तो चमड़े की ग्रिप, किसकी चमड़े की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? नेक्स्ट है, बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द से सूचित किया जाता है? बैडमिंटन में कोई नियम का उल्लंघन होता है तो उसे फॉल्ट शब्द से सूचित किया जाता है। किस शब्द से? फॉल्ट शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भार कहाँ होना चाहिए? तो बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभिक स्थिति में जो शरीर का भार है वो कहाँ होना चाहिए? तो इसका भार दोस्तों दोनों पैरों के पश्च भाग पर होना चाहिए। तो यहां पे राइट क्या होगा? दोनों पैरों के पश्च भाग पर तो नहीं होगा दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति में बोला है शरीर का भार कहाँ होना चाहिए? पश्च भाग में। लेकिन जब खेलते समय दोनों पैरों के अग्र भाग पर होना चाहिए, यानी कि आप इधर से उधर दौड़ते रहते हैं तो अग्र भाग पंजे पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छे खिलाड़ियों के द्वारा
फोरहेड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? तो अच्छे खिलाड़ियों के द्वारा फोरहेड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग मानी जाती है? तो स्टर्न ग्रिप। कौन सा ग्रिप? स्टर्न ग्रिप। नेक्स्ट है, बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन 1887 में हुआ। कब हुआ? 1887 में। बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबेर कप की शुरुआत कब हुई? तो उबेर कप जो है प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला का शुरुआत हुआ उबेर कप 1957 में। ये महिला से रिलेटेड है, कब? 1957 में। एंड दोस्तों पुरुषों का विश्व कप प्रतियोगिता थॉमस कप 1948 से, जो दोनों प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन का सबसे प्रथम क्लब कौन सा था? तो बैडमिंटन का सबसे प्रथम क्लब बॉथ इंग्लैंड क्लब है। कौन सा क्लब है? बॉथ इंग्लैंड क्लब बैडमिंटन का सबसे प्रथम क्लब है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीएफ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एबीएफ एशियन बैडमिंटन फेडरेशन, एबीएफ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कान डबरासी, कान डबरासी। नेक्स्ट है, बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया 1992 बार्सिलोना स्पेन में। कब? 1992 बार्सिलोना स्पेन में बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया। एंड एशियाई खेलों में बैडमिंटन को 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में शामिल किया गया। एंड राष्ट्रमंडल खेलों में 1966 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, रैकेट का वजन कितना होता है? तो दोस्तों रैकेट का जो वजन होता है वह होता है 4 से 5 औंस। कितना होता है? 4 से 5 औंस होता है रैकेट का वजन। बैडमिंटन की रैकेट जो होता है उसका वजन 4 से 5 औंस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों नेट की लंबाई 20 फीट होती है। कितना होता है? बैडमिंटन नेट की लंबाई 20 फीट। इसकी ग्राउंड की बात करें तो एकल कोर्ट के लिए 44x17 फीट एंड युगल के लिए 44x20 फीट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्विस लाइन खंभे से कितनी दूर होती है? तो शॉर्ट सर्विस लाइन जो है वह खंभे से कितनी दूर होती है? 6.5 फीट, यानी 6 फीट 6 इंच। कितना होता है? 6 फीट 6 इंच, यानी 1.98 मीटर। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पे हैं एन.एम. नाटेकर एंड मीना शाह को बैडमिंटन में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया। एन.एम. नाटेकर एंड मीना शाह को सबसे पहले 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। एंड बैडमिंटन में द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया श्री एस.एम. और आरिफ को 2000 में। एंड दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर्स बोला जाता है। और इसके क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पुलेला गोपी चंद्र को दिया गया है 2000-2001 में। एंड पीवी सिंधु को 2016 में एंड साइना नेहवाल को 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर्स बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल से कौन संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन संबंधित है बैडमिंटन खेल से? सफी कुरैशी कप। कौन सा? सफी कुरैशी कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। एंड इसके अलावा मैडेका कप, डूरंड कप, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बैडमिंटन से और शब्दावलियां हैं जैसे कोर्ट, शटल, लॉक, सर्विस लाइन, साइड लाइन एंड लेग सर्विस कोर्ट एंड ड्रॉप, फ्लाइट, स्कर्ट, लेट, लॉ, लिफ्ट, सर्विस ब्रेक, ये सभी चीज़ें संबंधित हैं। और इसके कप और ट्रॉफी की बात करें बैडमिंटन में,
तो पुरुष टीम के लिए रहमतुल्ला कप 1934, महिला टीम एकल के लिए विकास ट्रॉफी वाला चैलेंज कप एंड जूनियर टीम पुरुष के लिए नारंग कप, महिला टीम के लिए चड्ढा कप, महिला एकल के लिए ओलंपियन चैलेंज कप, जूनियर टीम महिला के लिए सफी कुरैशी कप एंड इसके प्रथम स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। अन्य कप ट्रॉफी है थॉमस कप 1948 पुरुषों के लिए, उबेर कप 1957 महिला के लिए। इसके अलावा कप ट्रॉफी है यूनेक्स कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, एशिया कप, चैलेंज कप, सुद्रीमन कप, कोनिका कप, मेयर्स कप, फेडरेशन कप, चाइना कप आदि संबंधित है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई 9 मीटर है। कितना है? 9 मीटर है। एंड बास्केटबॉल के इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई 7 मीटर होता है। वॉलीबॉल की छत की ऊंचाई होता है 12.5 मीटर, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता कौन सी है। तो बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। क्या है? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है। तो बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? तो कलाई करता है। कौन सा हिस्सा करता है? कलाई करता है यानी रिस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए। तो जब बैडमिंटन खेल रहे हैं उस दौरान दोनों पैरों के बीच में कितना अंतर रहना चाहिए, तो फिजिकल एजुकेशन में कभी भी दोनों पैरों के बीच में गैपिंग की बात आए तो कंधे की चौड़ाई के बराबर, कंधे की चौड़ाई के बराबर दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम किस समय बनाए गए। तो सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम बनाए गए 1887 में। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां व कब संपन्न हुई। तो कलकत्ता में 1934 में संपन्न हुई। 1934 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व बैडमिंटन संघ का भी स्थापना 1934 में हुआ। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता भी 1934 में कलकत्ता में हुआ एंड भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना भी 1934 में ही हुआ। नेक्स्ट है BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना का कार्यालय कहाँ है? यहाँ पे कार्यालय पूछा है दोस्तों। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का कार्यालय है मलेशिया क्वालालंपुर, ठीक है, मलेशिया का क्वालालंपुर में। और BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुआ था, ठीक है, कैंट इंग्लैंड में। तो ध्यान रखिएगा 1934 वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कौन नहीं है दोस्तों? चार खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, कौन इसमें बैडमिंटन से खिलाड़ी संबंधित नहीं है और तीन हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विजयन नहीं है, विजयन बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। उसके अलावा अपर्णा पोपट, सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोण, ये तीनों बैडमिंटन खेल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो रैकेट होती है उसकी चौड़ाई कितना होता है? 23 सेंटीमीटर। कितना होता है रैकेट की चौड़ाई? 23 सेंटीमीटर। लंबाई 68 सेंटीमीटर, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर एंड लंबाई 68 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। एंड इसका भार 4 से 5 औंस होता है। नेक्स्ट है, रैकेट हेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो रैकेट जो हेड होता है, हेड जो पकड़ने वाला, उसकी लंबाई कितना होना चाहिए? तो 28 सेंटीमीटर। कितना? 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि बैडमिंटन कोर्ट के मार्किंग लाइन की मोटाई कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 4 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मार्किंग लाइन की मोटाई फुटबॉल में होती है, यानी कि 7 इंच, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हॉकी की होती है 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर, और सबकी 5 सेंटीमीटर होता है, कम आपका होता है बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग लाइन 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है। तो बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी और खेल रत्न पुरस्कार मिल चुके हैं। तो कौन है दोस्तों इनको? पुलेला गोपीचंद। कौन है? पुलेला गोपीचंद, जो पीवी सिंधु के कोच भी हैं और बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं। तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुलेला गोपीचंद। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया? तो आधुनिक बैडमिंटन खेल को विकसित किया इंग्लैंड ने, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? तो थॉमस कप की शुरुआत 1948 में पुरुष विश्व कप जो है वो थॉमस कप है, जिसकी शुरुआत 1948 में हुआ, प्रत्येक दो वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। एंड उबेर कप की शुरुआत 1957 में हुआ, जो महिला वर्ल्ड कप होता है और ये भी प्रत्येक दो वर्ष पर अंतराल पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है ABF, एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। ABF का पूरा नाम क्या है? एशियन बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। ABF यहाँ पे आंसर जो है गलत दिया है, एशियन बैडमिंटन फेडरेशन, इसका क्या होगा? एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है एशियन बैडमिंटन फेडरेशन? ऑप्शन नंबर घ, एशियन बैडमिंटन फेडरेशन ABF का फुल फॉर्म होगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता है दिनेश खन्ना। कौन है? दिनेश खन्ना 1965 में। अब पहला कौन है? MNM नाटेकर एंड मीना शाह। तो दोस्तों ये था बैडमिंटन से रिलेटेड 36 MCQ क्वेश्चंस। इसके पार्ट टू में और सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो दोनों पार्ट वन पार्ट टू मिलाकर के बैडमिंटन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसी तरह सभी गेम के मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं और एक दो गेम और बचा है जिसको मैं पूरा करने के बाद फिर से आपको पूरे कॉम्बिनेशन में हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आप डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए और अपना एक सिलेक्शन जरूर लीजिए, क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो एग्जाम के लायक है, फालतू चीज़ नहीं पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट बार वीडियो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।